देखिए, कुमारी शैलजा का नाम हाल फिलहाल तक नहीं चल रहा था, कल तक भी नहीं था जी। कि कुमारी शैलजा राज्यसभा से सांसद बन सकती हैं। यहाँ तक कि शीला दीक्षित का नाम भी हरियाणा से आ रहा था कि शीला दीक्षित को हरियाणा से उतार दिया जाए। हरियाणा कांग्रेस उसके विरोध में थी, उनके पक्ष में नहीं थी। राज्यसभा को लेके शैलजा ग्रुप, वीरेंद्र सिंह ग्रुप, हुड्डा ग्रुप में बड़ी खींचतान चल रही थी। शैलजा चाहती थी कि ईश्वर सिंह को दूसरा मौका दिया जाए, क्योंकि ईश्वर सिंह उनके बिल्कुल पक्ष के आदमी हैं, उनके हक की बात करते हैं जब भी करते हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। और मुख्यमंत्री भला कैसे इस बात को चाहते कि ईश्वर सिंह चला जाए? मुख्यमंत्री की कोशिश से डॉक्टर राम प्रकाश बन जाए या फूलचंद मुलाना जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो बन जाए। पूरा खेल आप देखिए, ये चारों चेहरे, चाहे ईश्वर सिंह हो, चाहे मुलाना हो, चाहे डॉक्टर राम प्रकाश हो, चाहे शैलजा हो, ये दलित और पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कांग्रेस की जो राजनीति है वो इस वोट को फोकस में रखे है। शैलजा को यहाँ राज्यसभा से भेजने का मतलब ये भी हो सकता है कि आला कमान ने हुड्डा को बैलेंस करने की कोशिश की है, हुड्डा के हाथ में सारे पत्ते नहीं सौंपे हैं। शैलजा जब राज्यसभा चली जाएंगी तो मुक्त हो जाएंगी किसी भी दिक्कत से। लोकसभा जितना बड़ा मुश्किल था, वही सेंटीमेंट्स कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। वहाँ जो लोकल अम्बाला कैंट है, वहाँ से निर्मल सिंह उनके खिलाफ है, विनोद शर्मा जो हुड्डा के बिल्कुल खास मित्र माने जाते हैं वो शैलजा के खिलाफ है, डीके बंसल पंचकुला से वो शैलजा के पक्ष में नहीं है, जगाधरी यमुनानगर में भी हुड्डा का होल्ड है। तो ये सारे कारण ऐसे थे, सेंटीमेंट्स की और सब चीज़ें, कि जो शैलजा को जीतने में बहुत बड़ी बाधा पैदा कर दी। आलाकमान ने, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं महिलाओं को आगे बढ़ाना है, शैलजा की पकड़ सोनिया जी के पास ठीक ठाक है और उनकी छवि भी ठीक ठाक है, तो इस माध्यम से उनको भेज के मुक्त कर दिया। दूसरा, हरियाणा में पिछले इस सरकार के दौरान कुछ ऐसे चीज़ें हुई जहाँ ये लगा कि दलितों में उनके खिलाफ रोष है, तो वो सब चीज़ें बैलेंस होंगी। और जो फूलचंद मिलाना जो चेहरा उड्डा लिए घूमते हैं वो भी बैलेंस होगा। शैलजा को उतारने का महिलाओं में और दलित इन सब में इनका फायदा होगा और निश्चित तौर पे हुड्डा को एक झटका है। बिल्कुल, यहाँ पर दो बातें साफ नजर आ रही हैं। पहली वजह ये है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी को रोकने की कोशिश पार्टी आलाकमान की तरफ से, दूसरी वजह दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश। बहरहाल, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी होगी। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। एमएलए हो तो ऐसा में अब वक्त हो चला है 11 मापदंडों के आधार पर नामांकित उम्मीदवारों को परखने का। तो आइए आपको एक बार फिर बताते हैं क्या है हमारे ये 11 मापदंड। आयु, वार्षिक आमदनी, आपराधिक रिकॉर्ड, शिक्षा कितनी है, पूर्व चुनाव में भागीदार रहे हैं या नहीं, लिंग कौन सा है, वाहन कौन सा इनके पास, हल्के में निवास करते हैं, हल्के से बाहर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नहीं, सामाजिक संस्था और राजनीतिक पार्टी में पद, ये वो 10 मापदंड जिन पर परखा जाता है। और 11वां छवि एवं साख का मापदंड है जिसके लिए हमने अलग से 20 अंक निर्धारित किए हैं। ये 11वां मापदंड सबसे अहम और महत्वपूर्ण मापदंड है। और सफीदों से हमारे पास कुल 25 नॉमिनेशंस आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन तमाम लोगों की प्रोफाइल्स जिन्होंने सफीदों से अपना नामांकन भरा है और इन्हें अब 11 मापदंडों पर परखा जाएगा। अमरपाल राणा पहले उम्मीदवार, के बाद बच्चन सिंह आर्य, बलबीर सिंह राणा तीसरा नाम उन 25 उम्मीदवारों में से एक हैं बलबीर जी जिन्होंने नामांकन भरा। बलवंत सिंह पांचाल और ये हैं ब्रिजेश्वर अग्रवाल। के बाद नाम आता है चेतन दास भाटिया का। डॉक्टर वीना रानी अभी तक पहली महिला उम्मीदवार सफीदो हल्के से। 25 उम्मीदवारों से रूबरू करा रहे हैं हम आपको, गौरव जैन है। गौरव रोहिला और
और इसके बाद जसवीर सिंह देशवाल। 25 उम्मीदवारों में मेजर धूप सिंह का भी नाम शामिल है। नंदकिशोर गोयल, अगले उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन पत्र भरा वो हैं नवीन गोयल। राजेंद्र शर्मा, राजेश कुमार, राजकुमार मोर। इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं इनमें से कुछ रैंडमली चुने गए प्रतिभागियों के विचार कि आखिर किस आधार पर वो खुद को इस काबिल मानते हैं कि वो क्यों हो सकते हैं सबसे बेहतर उम्मीदवार सफीदो हलके से। अच्छे काम करने वाले आदमी की और ईमानदार आदमी की जरूरत है, जो कि हम आज तक इस चीज पे खड़े उतरे हैं और आगे भी हम पब्लिक के लिए काम करने के लिए खड़े उतरेंगे। मैं जनता के लिए, जैसे कि गर्ल कॉलेज हुआ, ये वगैरह जो भी हुआ है, सड़कें का विकास हुआ, इसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि मेरे को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं और मैं बहुत ही भारी बहुमत से मेरे को विजयी बनाए ताकि मैं आपके हलके का विकास करवा सकूँ। हमेशा लोगों के बीच में ही रहता हूँ, 8-10 साल से लोगों के लिए जहाँ दुख दर्द होता है मैं वहाँ हमेशा, कोई भी सामाजिक आर्थिक इस तरह का कोई भी स्पीड में सम्मेलन हुआ है हल्के के विकास के लिए, मैं उसमें हमेशा शामिल रहा हूँ और मैं अपने दिल से कभी भी ये नहीं चाहता मैं राजनीति में अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मैं आऊँ, नहीं, मैं एक समाज की पूरी जिम्मेदारी लेकर के उसको पूर्ण रूप से निभाऊं। पब्लिक मेरे को मौका दे और परमात्मा मेरे को मौका दे तो मैं कहने में और करने में कोई अंतर ना हो और लोगों से जुड़ के लोगों की सेवा की भावना हो। राजनीति में लोग निजी स्वार्थ के लिए और पैसे के लिए आते हैं लगभग ज़्यादातर लोग, लेकिन राजनीति एक समाज सेवा का भी सबसे बड़ा माध्यम है, जिससे राजनीति में आकर भी मैं दिखाना चाहता हूँ, राजनीति में आकर भी लोगों की, समाज की सेवा की जा सकती है। हल्के में चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि सारे समाज को, सारे जाति को, सारे भाईचारे को इकट्ठा लेकर चलना चाहता हूँ। मैं क्षेत्रवाद की राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। मुझे चुना गया तो मैं लड़ाई लड़ूंगा कि सफीदों जो तहसील है सबसे पुरानी तहसील है और इसका अपना एक राजनीतिक और सामाजिक महत्व भी है और महाभारत कालीन उसमें भी इसका जिक्र आता है, तो इसलिए सफीदों को जिला बनवाने का प्रयास करूंगा। और इसके अलावा मैं जो रोजगार परक शिक्षाएं हैं जैसे आईटीआईज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं और जैसे एएनएम्स के, जीएनएम्स के कोर्स हैं, इनके लिए सरकारी स्तर पर जो है कॉलेज बनाए जाए, इसके लिए प्रयास करूंगा। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और गांव की गलियों को पक्का करवाना और शहर में जो है समुचित रूप से सारी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाना, सभी गलियों को पक्का कराना, सड़कें बनवाना, ये सब मेरी प्राथमिकता में शामिल है। तो आपने कुछ उम्मीदवारों के विचार भी जाने और ये भी देखा कि सफीदो हलके से कौन से 25 उम्मीदवारों ने एमएलए हो तो ऐसा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इन 25 नामांकनों में से हमने पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर टॉप 16 यानी कि सुपर 16 उम्मीदवारों का चयन किया है। आइए जानते हैं इनमें से किसे कितने नंबर मिले हैं इन 10 मापदंडों के आधार पर। अमरपाल राणा, लिंग के लिए 3, आयु के लिए 9, शिक्षा में 7 अंक, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8 अंक, लाइसेंस में 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव के लिए 3, राजनीतिक पद के लिए 3 और वार्षिक आय के लिए 6 अंक हासिल हैं। और इस तरह से पहली स्क्रीनिंग में अमरपाल राणा को कुल 54 अंक मिलते हैं। एक एक कर 10 मापदंड आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बच्चन सिंह आर है, लिंग पर इन्हें मिलते हैं 3, उम्र के लिए 9, शिक्षा के लिए 7,
हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 7, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव में 8, राजनीतिक पद के लिए 3, वार्षिक आमदनी के लिए 9 और इस तरह से इनका टोटल हो जाता है 61। यहाँ पर हम आपको ये बता दें, 11वां कॉलम ये जो बॉक्स है ये खाली है छवि एवं साख का, जिसका अंक हम आपको बाद में बताएंगे। तीसरे उम्मीदवार बलवंत सिंह पांचाल का स्कोर कार्ड आपके सामने, लिंग के लिए 3, आयु के लिए 9, शिक्षा में 6, हल्के में निवास के लिए 5 अंक, वाहन के लिए 8, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड में 5, पूर्व चुनाव के लिए 3, राजनीतिक पद के लिए 8, वार्षिक आय के लिए 6 अंक मिलते हैं। इस तरह से बलवंत सिंह पांचाल ने कुल 58 अंक बटोरे हैं पहली स्क्रीनिंग में। टॉप 16 में पहुंचने वाले अगले उम्मीदवार हैं डॉक्टर वीना रानी, लिंग के लिए इनको मिलते हैं 5, उम्र के लिए 7, शिक्षा के लिए 8, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8, लाइसेंस में 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव के लिए 7, राजनीतिक पद के लिए 8, वार्षिक आमदनी के लिए 9 और इस तरह से इनका टोटल हो जाता है 67। डॉक्टर वीना रानी ने 67 अंक हासिल किए हैं पहली स्क्रीनिंग में और ये कामयाब हुई है 16 टॉप 10 16 में, टॉप 16 में पहुंचने में। गौरव रोहिला का स्कोर कार्ड आपके सामने है, लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, इन सभी 10 मापदंडों के आधार पर गौरव रोहिला ने 56 अंक लेते हुए टॉप 16 में अपनी जगह बना ली है। अगले उम्मीदवार हैं जसवीर सिंह देशवाल, इनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, लिंग में मिलते हैं 3, उम्र के लिए 7, शिक्षा के लिए 9, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8, लाइसेंस में 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव में इन्हें हासिल हुए हैं 3, राजनीतिक पद के लिए 7, वार्षिक उम्मीद आमदनी के लिए 9 और इस तरह से इनका टोटल हो जाता है 61। जसवीर सिंह देशवाल को 61 अंक हासिल हुए हैं टॉप 16 में पहुंचने वाले उम्मीदवार। सुपर 16 में पहुंचने वाला अगला नाम मेजर धूप सिंह जी का है, लिंग के लिए 3, आयु में 7, शिक्षा के लिए 8, हल्के में निवास के लिए 5 अंक हासिल हैं, वाहन के लिए 8, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 3 अंक, पूर्व चुनाव में 5 अंक, राजनीतिक पद के लिए 8, वार्षिक आय के लिए इन्हें सर्वाधिक 9 अंक मिला है। इस तरह से टॉप 16 में अपनी जगह बनाई है मेजर धूप सिंह ने कुल 61 अंकों के साथ। अगला नाम है नंद किशोर गोयल का, लिंग के लिए 3, उम्र के लिए 9, शिक्षा के लिए 7, हल्के में निवास में 5, वाहन के लिए 8, लाइसेंस में 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव में 8, राजनीतिक पद 8, वार्षिक आमदनी में 9 और इस तरह से इनका टोटल हो जाता है 67। 67 अंक हासिल किए हैं नंद किशोर गोयल ने टॉप 16 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। एक के बाद एक पहली स्क्रीनिंग के ये स्कोर आप देख रहे थे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी होगी।